इंदौर नगर निगम ने राजस्व वसूली को लेकर अभियान तेज कर दिया है। वहीं बकायेदारों की संपत्ति भी जब्त की जा रही है। नगर निगम अपर आयुक्त एस कृष्ण चेतन ने बताया कि निगम के सभी जोन पर नल जल संपत्ति करके बकायेदारों से घर घर जाकर वसूली की जा रही है। चेतावनियां भी और नोटिस भी दिए जा रहे हैं और नोटिस की अवहेलना करने वालों को संपत्ति जब्त की जा रही है। दो दिनों में 150 से ज्यादा लोगों की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई भी की गई है। राजस्व विभाग द्वारा 14 तारीख के लोक अदालत के पश्चात जितने भी अपने बकायेदार हैं, जिसको समय देने के पश्चात भी और लगातार नोटिस देना ये सब देने के पश्चात भी जो अपना बकाया राशि जमा नहीं किया, तो हर वार्ड में और हर जोन में लगातार हम लोग जो है नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। और कार्रवाई के पश्चात अगर लोग जो है उसमें अपना इच्छा जताते हुए अपना राशि जमा करने के लिए कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध जो कार्रवाई नहीं करते हुए बाकी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रोसीड की। सर, जब्ती और कुर्की की भी कार्रवाई हो रही है, अभी तक कितने ऐसी प्रॉपर्टी सीज कर दी गई है नगर निगम द्वारा? पिछले दो दिनों में हम लोगों ने 160 प्रॉपर्टीज के विरुद्ध जो है कार्रवाई किया है और उसमें 70 लोगों के द्वारा पॉजिटिव चेक से राशि जमा की। सर, एक पलासिया थाने पे मामला हुआ है, निगम अमले पे पथरा हुआ है, उसे लेकर क्या एक्शन ले रहा है नगर निगम? अगर नियमानुसार हम लोग जो है थाने में दर्ज किया है और अपना पुलिस जो है उसकी लीगल पूरा इम्प्लीकेशन देखते हुए कार्रवाई कर रही है और जो भी अपना लीगल कार्रवाई है